दोस्तों नमस्ते, स्वागत है दीदी की रेसिपी में। हम बनाएंगे एक मजेदार सा चटपटा सा नाश्ता। तो हो रही है बारिश, मौसम बहुत हुआ है सुहाना, तो गर्मा गर्म नाश्ता बहुत ही अच्छा लगता है बच्चे और बड़ों को। तो क्या करना है? लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए दोस्तों, ये नाश्ता बहुत ऑथेंटिक है, हमारे आजमगढ़ का, मतलब बहुत ही पसंद किया जाता है। और ये झटपट बन के तैयार तो नहीं होता है क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो ये एकदम सैंडविच की तरह यानी ब्रेड की तरह बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले एक थाली में मैंने आलू लिए हैं और इसे क्या कर लिया, पहले छील लिया, फिर कद्दूकस करना है। कद्दूकस ये थोड़ा मोटा जो रहता है ना, इससे करना, ज़्यादा महीन वाले से नहीं करना है। थोड़े लच्छे हमें बड़े चाहिए, जो महीन रहते हैं ना वो एकदम पतले से सौगी सौगी से हो जाते हैं, तो थोड़े लच्छे इसके बड़े रहना चाहिए। तो क्या किया है, तीन पानी से इसे धो लेना है सबसे पहले। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ली है कढ़ाई और उसमें डाला है एक चम्मच तेल और यहाँ पे मैंने थोड़े से लहसुन के टुकड़े डाले हैं और इसे थोड़ा सा भून लेना है। और उसके बाद कुछ मिर्ची डाली, जितना हम तीखा खा सकते हैं, मतलब सबका पसंद अलग रहता है ना। तो अब डालेंगे एक चम्मच हल्दी और एक चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा नमक डालेंगे। और इसके बाद हमने जो लच्छे तैयार किए थे ना, तो उसका पानी स्क्वीज करके इसके अंदर डाल देना है। देखिए लच्छे कुछ इस तरह से हमने बनाए थे, तो इसे डाल देना है। अब लच्छे थोड़े से भून लेना है। उसके बाद हम एक कप सूजी ऐड करेंगे। तो सूजी को एक कप लिया है मैंने और इसे भी हल्का सा भून लेना, मतलब अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आलू के बाद तो ये भुनेगा नहीं, इसमें थोड़ा मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दो कप पानी, ताकि सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए, इतना हमें पानी ऐड करना है। अब सूजी को कब तक पकाना है, जब तक ये पानी ना सूख जाए। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे धनिया डाला है और इसे तब तक पकाएंगे, धीमी आंच पे पकाएंगे ताकि सूजी ना जलने लगती है। तो धीमी आंच पे अच्छे से पकाएं जब तक इसका पानी सूख ना जाए। फ्रेंड्स, तो इसे बनाना बहुत ही आसान तो है और थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बनने के बाद बहुत ही टेस्टी लगता है, सबको बहुत पसंद आता है। तो ये देखिए थोड़ा सूख गया कुछ इस तरह से, इस तरह से हमें इसे पका लेना, एकदम सूख जाएगा ना इस तरह से। तो यहाँ पे लेना है थाली पे थोड़ा सा ऑयल, अच्छे से ग्रीस कर देना है। आप केक टिन वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, तो मेरे पास नहीं था तो मैंने थाली को उल्टा करके तेल लगा लिया। अब हमने जो मिश्रण तैयार किया ना, इसके ऊपर डाल देना है अच्छे से सारा का सारा। तो ये मिश्रण जब थोड़ा गर्म रहेगा ना, तभी हमें फैला लेना है, अच्छे से हाथ से फैला लेना है। और चाकू पे मैंने थोड़ा सा तेल लगा दिया था और इससे से भी हम अच्छे से इसे चौकोर शेप दे सकते हैं, मतलब जो शेप आपको देना आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ इस तरह से तैयार कर लिया है। तो अब मैं इस पे थोड़े से धनिया और छिड़क दूंगी और सेसमी सीड्स यानी कि व्हाइट वाली तिल डाल देना है। इसके ऊपर थोड़ा सा चिपक जाएगी ना तो अच्छा लगता है, मतलब ये जो तिल का क्रंच आता है दांतों के नीचे ना, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से थाप देना है और इसे सूखने देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छे से, तो ये सूजी सूख जाती है। फिर चाकू की मदद से इसकी एजेस कट कर लेना है कुछ इस तरह से। वैसे ये फेंकने का तो है नहीं, इसे बाद में भी खा सकते हैं हम। तो ये थोड़ा इस तरह से कटेगा ना तो थोड़ा टेम्पटिंग लगता है, तो साइड साइड का कट करके फिर हम इसे अच्छे से सैंडविच का आकार देंगे, तो बहुत ही बच्चों को अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। और ये नाश्ता आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, तो आप इस तरह से भी इसे खा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम इसे फ्राई कर देंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है, तो आप इसे चाहे शैलो फ्राई करें चाहे डीप फ्राई करें, ये आपके ऊपर है। वैसे ये नाश्ता बहुत ही गजब का तैयार हो जाता है, देखिए कुछ इस तरह से तैयार हो जाता है ना। तो इस टुकड़ों को इस तरह से कट करके हम रख सकते हैं, मतलब घर में मेहमान आए या कोई भी हमें शाम के नाश्ते के लिए देना है, तो इसे फ्रीज़र में रखेंगे ना तो ये ख़राब नहीं होगा। और जब चाहे आप का मन इसे फ्राई करके या तवे पे ऐसे रोस्ट करके खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके मुझे सपोर्ट करिएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पैन में तेल डाला है और अच्छे से फैला लिया, बहुत ही कम तेल में ये तैयार हो जाता है। और अच्छे से इसे हम फ्राई करेंगे इसके ऊपर, मतलब शेलो फ्राई करेंगे। तो ये नाश्ता ना आप
कभी भी बना सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं या पिकनिक पे भी ले जा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप ज़रूर इस नाश्ते को ट्राई करिएगा। और यहाँ पे हल्का हल्का तेल डाल के मैंने दोनों साइड से देखी क्रिस्पी करारा कर लिया ना, बिल्कुल इस तरह से गोल्डन कलर आ जाए ना, इस तरह से हम फ्राई करेंगे ना तो ऊपर की जो लेयर आती है ना बहुत ही क्रिस्पी तैयार होती है, मतलब बहुत ही टेस्टी लगता है। तो क्या बताऊँ मैं, जब आप बनाओगे ना तो आपको पसंद आएगा। तो इस तरह से दोस्तों दोनों साइड से क्रिस्पी करारा कर लेना है, मतलब जब ये अंदर से एकदम मुलायम मुलायम सा रहेगा, ऊपर से क्रिस्पी लेयर आती है दांतों के नीचे ना, बहुत अच्छा लगता है। तो आप किसी भी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। देखिए दोनों साइड से मैंने एकदम क्रिस्पी सुनहरा कर लिया ना, बिल्कुल इसी तरह से करना है। तो नाश्ता यहाँ पे हमारा बन के रेडी हो गया है, तो हम यहाँ पे प्लेटिंग कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बनाया था हरी हरी चटनी जो बहुत अच्छी लगती है, तो ये चटनी मेरे वीडियो में आई जाती है क्योंकि सिलबट्टे पे मैं बनाती हूँ। तो ये देखिए हमारा नाश्ता बनके तैयार हो गया है, तो चलिए इसे फटाफट सर्व करते हैं, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखें अपना ध्यान, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।